सुप्रभात, मेरा नाम पीयूष दत्ता है। आज मैं आपको हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मोर, मयूर, महप्रिय, सूरज, रवि, सूर्य, ईश्वर, प्रभु और भगवान, वर्षा, बारिश और बरसात, पक्षी, चिड़िया, खग, पुस्तक, किताब, पोथी, घर, ग्रह, आवास, वृक्ष, पेड़ और तरु, माँ, माता, जननी। आपको पता है माँ को जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें जन्म देती है। चांद, चंद्रमा, शशि। हवा, वायु, पवन। बगीचा, बाग, उपवन। पहाड़, पर्वत, भूदर। हाथी, गजानन और हस्ती। कमल, पंकज और नीरज। गाय, गो, सुरभि। अग्नि, आग और अनल। राजा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं नर्प और भूपति। शिक्षक, अध्यापक और गुरु। बादल, मेघ और जलधर। आपको पता है हम बादल को जलधर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें बारिश देता है। नाक, नासिका, नास। सांप, सर्प और विष्ठर। जंगल, वन, विपिन। आंख, नेत्र, लोचन। नदी, सरिता, नद। वस्त्र, कपड़ा और पट। प्रणाम का पर्यायवाची शब्द नमस्ते और नमस्कार। झंडा, ध्वज और तिरंगा। धन्यवाद।